नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूपी, महाराष्ट्र और नागालैंड की 4 लोकसभा सीटों और 9 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को सिर्फ महाराष्ट्र की पालघर लोकसभा सीट पर जीत मिली है, जबकि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उत्तराखंड की थराली सीट पर ही जीत हासिल कर पाई। बीजेपी का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव पर उपचुनाव के नतीजों का असर नहीं पड़ेगा। हमें पूरा विश्वास है कि जब मेन चुनाव आएगा तो मोदी जी का काम भाजपा की नीयत, स्थायित्व और विकास की अपेक्षा जनता हमारे साथ आएगी। कांग्रेस ने कहा है कि 2019 की तस्वीर साफ हो गई है, विपक्ष का गठबंधन इसी तरह बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी हराएगा। जनता बीजेपी को हराना चाहती है, अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूँगा, ये चुनाव परिणाम बीजेपी के अंत की शुरुआत। उपचुनाव के नतीजों को समाजवादी पार्टी ने समाज को बांटने वालों की हार बताया। किसान, गरीब, मजदूर और जो सामाजिक न्याय के लड़ाई को आगे बढ़ाने वालों की ये बहुत बड़ी जीत इस चुनाव के माध्यम से हुई है। बेंगलुरु की आर आर नगर सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहाँ पर हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान रद्द कर दिया गया था। यूपी की कैराना सीट राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन ने जीत ली है। तबस्सुम हसन ने बीजेपी की मृगांका सिंह को 46,618 वोटों से हराया। तबस्सुम हसन ने कहा कि 2019 में यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो ये कहूंगी कि तो जो है झूठ पे झूठ, लोगों पे अहंकारी लोगों पे सच्चाई की जीत हुई है। बीजेपी की मृगांका सिंह ने माना कि गठबंधन की ताकत भारी पड़ी। ये जो गठबंधन का समीकरण रहा यही चुनाव को परिवर्तित किया उसने। बीजेपी सांसद संजीव बालियान ने कहा कि गन्ना किसानों के भुगतान के मुद्दे से नतीजे उनकी पार्टी के खिलाफ गए। गन्ने की जहाँ तक बात है, हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि 200 करोड़ रुपए पिछले साल का पेमेंट हुआ, तब तक हमने 500 करोड़ का कमाया, लेकिन लोगों का सवाल था कि अगले 600 करोड़ अभी बकाया है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीरता से इन बात प्रश्नों के जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे। वहीं आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने कहा कि कैराना में जिन्ना नहीं गन्ना चला। जो नफरत का रथ एक चालू हुआ था और जिस क्षेत्र से एक एक देश की राजनीति बदली थी, मुझे लगता है वो रथ हमने रोकने का काम किया। जिन्ना हारा, दंगा हारा, गन्ना जीता। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस अब राजनीति की धुरी नहीं रही है और उसे आत्मचिंतन की जरूरत है। इन सभी परिणामों का, इन सभी रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं, इनको बारीकी से देखते हैं और जो भी इनसे सीखना है, सीख लेनी है, हम अवश्य सीख लेते हैं। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, आगे लंबी छलांग लगाएंगे। बागी हो चुके बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये नतीजों का 2019 के चुनावों पर असर पड़ेगा। जहां तक आपने कहा 2019 का, तो मैंने कहा मॉर्निंग शोज द डे, इसी तरह शुरुआत होती है और जिस तरह से शुरुआत हुई है, या यूं कहूं भयानक तरीके से शुरुआत हुई है, तो असर तो पड़ेगा इसका। हर आदमी को हर बार बेवकूफ नहीं बना सकते, चाहे ईवीएम हो चाहे ईवीएम ना हो। बिहार की जोकीहाट विधानसभा सीट पर जीत को आरजेडी ने अवसरवाद पर असरवाद की जीत बताया। जनता ने ये साबित कर दिया है कि ये अवसरवाद पर लालूवाद की विजय है। पालघर लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी को अब दोस्त की जरूरत नहीं है। उद्धव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पैसे के दम पर चुनाव जीता है। ईवीएम में आई दिक्कतों को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। कहा चुनाव आयोग के खिलाफ भी करप्ट सिस्टम के लिए केस दर्ज होना चाहिए। ये सरकार ज्या वेळेला आलं तेव्हा देशात एक असं वातावरण होतं की पुढची 25 वर्ष आता हे सरकार काही जात नाही, पण आज 4 वर्ष म्हणजे गेल्या 2-5 दिवसापूर्वीच 4 वर्ष पूर्ण झाली आणि आजचे जे काही निकाल लागले ते लागल्यानंतर 4 वर्षातच ज्या पोटनिवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांचे निकाल बघितल्यानंतर यांनी एका अटी बहुमताचं जे काही सरकार होतं ते बहुमत गमावले। शिवसेना के हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो शिवसेना के साथ बातचीत के लिए तैयार है। फडणवीस ने भरोसा जताया कि शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं टूटेगा। जो एक दूसरे का चेहरा भी देखते,
एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, जो एक दूसरे को नीचा कहते, ऐसे सारे लोग एक हो रहे हैं ना, वो तो गठबंधन कर ही रहे हैं, तो अवसरवादी गठबंधन तो उनका ही। तो हमारा तो कम से कम 25 साल का गठबंधन रहा है, एक विचार पे हम लोग चले हुए हैं, तो हमारा तो गठबंधन अनैसर्गिक नहीं है, उनका तो अनैसर्गिक है। कांग्रेस ने कहा है कि उद्धव ठाकरे में आत्मसम्मान बचा है तो उन्हें गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए। अगर उनको इसके बारे में कोई बात उनको लगती है कि ये गलत है, ये आलोचना जो कर रहे हैं, आलोचना करने से बेहतर है कि सरकार के बाहर निकले। तीन देशों की अपनी यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद आज सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर में पीएम मोदी ने आज कई कार्यक्रमों में भाग लिया। पीएम ने सिंगापुर में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। मरीना बे सैंड्स कन्वेंशन सेंटर में बिजनेस एंड कम्युनिटी के एक इवेंट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया के लिए दरवाजे खोलकर पूर्व की ओर देखा। पीएम मोदी ने सिंगापुर को भारत और आसियान के बीच का पुल बताया। प्राउड ऑफ दर इंडियन हेरिटेज, रेडी टू बी द ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, द टू लायंस शैल स्टेप इनटू द फ्यूचर टुगेदर। इस दौरान पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी कल पहली बार शांग्रीला डायलॉग को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। सिंगापुर पहुंचने से पहले पीएम मोदी मलेशिया भी गए। वहां उन्होंने दुनिया के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री 92 साल के महातिर मोहम्मद से मुलाकात की। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी बार मलेशिया पहुंचे थे। इससे पहले वो 2015 में मलेशिया गए थे। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया करप्शन केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस ए के पाठक ने पी चिदम्बरम से सीबीआई के बुलाने पर पूछताछ में शामिल होने और जांच में सहयोग करने को कहा है। सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ के लिए चिदम्बरम को समन जारी कर बुलाया था। इसे देखते हुए चिदम्बरम की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। समन ही था, वारंट तो नहीं जारी हुआ था, तो भयभीत होकर चले गए, तो उसमें वो भी रोक 1 महीने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी ठीक से जवाब नहीं होगा तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर आई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी दर यानी सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% दर्ज की गई है। साल की अन्य 3 तिमाहियों के मुकाबले जनवरी से मार्च क्वार्टर में ये सबसे अच्छा स्तर है। इससे पहले साल की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में जीडीपी की दर 5.6%, 6.3% और 7% थी। इस तरह वित्त वर्ष 2017-18 में देश की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 6.7% रही। सरकार की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2016-17 की जुलाई सितंबर तिमाही के बाद ये सबसे अच्छी ग्रोथ रेट है। The quarter fourth would be quite good, which is what is reflected in the number 7.7%. सरकार ने इस तिमाही के बाद ही देश में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के प्रचलन को खत्म करने का फैसला लिया था। तब से इकोनॉमी की ग्रोथ कई पॉइंट्स गिर गई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रही है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने शहर में कई जगह विरोध प्रदर्शन किए। बड़ी तादाद में लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने NH5 को भी जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक ट्रैफिक ठप रहा। वहीं नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का गुस्सा शांत कराने की कोशिश की और जल्द से जल्द पानी की किल्लत दूर करने का आश्वासन भी दिया। कि 10 दिन से पानी नहीं आया, बिल्कुल घर में बूंद तक पानी नहीं है, और हमारे तो प्रॉब्लम इतनी है कि टैंकर भी आएगा, अगर टैंकर में भी लाइनें लगी है, टोकन मिलते हैं उसमें। मैं खुद इस मामले को जो है MC से भी और सरकार से भी टेकअप करूंगा, ताकि जितना भी हमारा कच्चे घाटी का एरिया है इसमें रेगुलर सप्लाई आए हो। पानी की किल्लत का असर टूरिज्म पर भी पड़ा है। इस मौसम में बड़ी तादाद में सैलानी शिमला पहुंचते हैं, लेकिन पानी की कमी को देखते हुए होटल मालिक अब पर्यटकों से शिमला न आने की अपील कर रहे हैं।